दोस्तों आज खेतों में धान सवाई हो रही है और तिलोक भाई लगे हुए हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये बहुत ही टैलेंटेड है, तो धान सवाई का काम भी इन्होंने बहुत जल्दी पकड़ लिया है। दोस्तों ये मशीन आने के बाद इस मशीन के द्वारा धान सवाई में काफ़ी मदद मिल जा रही है और बड़ी जल्दी इससे काम हो रहा है, क्योंकि अमूमन अगर बैल से हम अगर धान सहाते तो काफ़ी टाइम भी लगता है इतने बड़े खेत को पूरा करने में। इससे काफ़ी जल्दी भी हो रही है और बढ़िया तरीके से ये मट्टी का मक्खन बना दे रहा है। और यहाँ पर खेत में बगुले भी आते हुए देखिए दोस्तों, इन्हें किसानों का दोस्त माना गया है। हालांकि ये भी अपने खाने के लिए आए हैं, इसमें जो मेढक और कितौले निकलते हैं उनको ये खाते हैं। इस दौरान इनकी बहुत ही बड़ी अच्छी पार्टी हो जाती है, इसलिए ये सभी झुंड में आ गए हैं। और यहाँ पर हमारे महेंद्र भाई खेतों की मेड़ की लिपाई करते हुए बिल्कुल खेतों को बिल्कुल सुंदरता दी जाती है, अच्छी तरह से इसकी लिपाई की जाती है। देखिए मेड़ों की, इन मेड़ों में मडुआ बोते हैं हम लोग। बढ़िया सा खाल बन गया है यहाँ पे। तू भी आके खेत में धान लगाएगी? अपने खाने लायक तो लगा ही लूंगी। करो करो करो, नाची नाची करो। और यहां धान रुपाई के लिए बीना उपाड़ा जा रहा है दोस्तों, हमारे गांव की कर्मठ महिलाओं द्वारा। और यहाँ धान रुपाई का कार्य प्रगति पर है दोस्तों। यह हमारे गांव की एक बहुत ही खूबसूरती है कि काम काज के समय में हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं और काम काज में हाथ बटाते हैं। दोस्तों धान रुपाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।